अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अपना ख्याल रखें। हम लास्ट लेक्चर में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। उसको हमने डिटेल में पढ़ा, उसका ग्राफ पढ़ा, मैथमेटिकल कैलकुलेशन पढ़ी, उसकी मेजरमेंट पढ़ी। आज हम थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, दैट इज़ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन का मतलब होता है, यहाँ पर है डिक्रीज, डिक्रीज इन द फ्रीजिंग पॉइंट। तो सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। डेफिनेशन है द डिक्रीज इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट व्हेन नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इज एडेड इन टू इट इज कॉल्ड एज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। यानी जब हम किसी सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसके फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आती है, उस फ्रीजिंग पॉइंट में कमी को हम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि जब हम सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर कम होता है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा होता है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आती है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। उसके बाद आपने फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन पढ़नी है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू इट्स सॉलिड फेस वेपर प्रेशर। फ्रीजिंग पॉइंट भी एक टेम्परेचर है, और ये वो टेम्परेचर है जहाँ पर किसी भी सब्सटेंस की लिक्विड और सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर इक्वल हो जाते हैं। तो हम कहते हैं जी ये इस कंपाउंड का फ्रीजिंग पॉइंट है। उसके बाद आप वैसे ही एक्सप्लेनेशन में आएंगे। द एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट लोअर्स द वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस, हमें पता है। देयरफॉर लोअर टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड टू इक्वलाइज द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड टू द सॉलिड फेस। देखें, हमारे पास एक कंपाउंड है, फर्ज करें वाटर है। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? जब आइस का वेपर प्रेशर और लिक्विड वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए। अब मैं क्या करता हूँ, इस आइस के अंदर मैं कोई सॉल्यूट ऐड कर देता हूँ। जब मैं इसमें सॉल्यूट ऐड करूँगा तो आइस का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, यानी सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। जब सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर कम होगा तो अब आपको लिक्विड वेपर को, ये लिक्विड के वेपर्स को भी कम टेम्परेचर पर लाकर उसके बराबर करना पड़ेगा। इट मीन्स आपको मज़ीद टेम्परेचर कम करना पड़ेगा लिक्विड को फ्रीज करने के लिए, जिसको हम कहते हैं जी वेप उसके फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आ गई। ग्राफ से समझते हैं हम इसको। पहले हमारे पास सॉल्वेंट है जिसका ग्राफ सी से स्टार्ट हो रहा है, यानी सी पर था लिक्विड, हमने उसे ठंडा करना शुरू किया। अब देखें ये सॉल्वेंट, ये ग्राफ ऊपर से नीचे आ रहे हैं, जरा इसको गौर से पढ़िएगा। ये ग्राफ ऊपर से नीचे आ रहे हैं, नीचे से ऊपर नहीं जा रहे। तो सी से हम शुरू हुए, हम सॉल्वेंट को ठंडा करते गए करते गए करते गए। जब बी पॉइंट पर पहुंचा तो उसका वेपर प्रेशर उसकी सॉलिड स्टेट के इक्वल हो गया। हमने कहा जी ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट है, उसको हमने T1 कह दिया। यहाँ मैंने T0F लिखा हुआ है, आप उसको T1 ही समझे। आगे अगर आप इसको ठंडा करोगे तो वो फ्रोजन सॉल्वेंट है, यानी सॉलिड सॉल्वेंट है। उसके बाद हमने सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट ऐड किया तो ये सॉल्यूशन बन गया। अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो गया, E से स्टार्ट हो रहा है। इसको आप कूल डाउन करते आओगे तो इसका वेपर प्रेशर अपने सॉलिड के बराबर होता है पॉइंट D पर आकर। लिहाजा डी इसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा, जिसको मैंने TF कहा है। तो देखें सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट TF0 है और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट TF है। तो देखें TF कम है और TF0 ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आ गई है। आप इसको T1 और T2 लिखेंगे। तो ये जो कमी आई है इसको हम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का नाम देते हैं। T1 होगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, T2 होगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन,
और डेल टी एफ होगा टी टू माइनस टी वन। इसको लिखने के बाद वैसे ही मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, सेम कैलकुलेशन है जैसे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, जस्ट जहाँ पर आप डेल टी बी लगाते थे वहाँ पर आप डेल टी एफ लगा देंगे और कोई चेंज नहीं है इसमें। आप देखते हैं जी, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, डेल टी एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, फिर डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ इन टू एम। ये के एफ जो है ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसको हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट का नाम देते हैं। आगे उसी तरह मोलैलिटी के आप कैलकुलेशन करेंगे, मोलैलिटी का फॉर्मूला बनाएंगे और उसको पुट कर देंगे। मेरे पास वो कैलकुलेशन नहीं मिल रही थी मुझे, तो मैंने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट वाली लिख दी है। आप इसको चेंज कर लेंगे, जहाँ पर डेल टी बी है वहाँ पर डेल टी एफ कर देंगे और जहाँ पर के बी है वहाँ पर के एफ कर देंगे, तो आपके पास एम टू की वैल्यू आ जाएगी। एम टू है मोलर मास ऑफ अननोन सोल्यूट। तो इस तरह हम इस डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को यूज़ करते हुए अननोन सोल्यूट का मोलर मास भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है, डेफिनेशन, फिर फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन, फिर एक्सप्लेनेशन, ग्राफ और मैथमेटिकल कैलकुलेशन। और दोबारा बता रहा हूँ, मैथमेटिकल कैलकुलेशन दोनों की सेम है, जस्ट डेल टी बी और के बी आएगा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में, डेल टी एफ और के एफ आएगा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन में। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है।